एक आदमी अपने बंदर के साथ नाव में यात्रा कर रहा था। नाव में अन्य यात्रियों के साथ एक दार्शनिक भी था। बंदर ने पहले कभी नाव में यात्रा नहीं की थी, इसलिए उसे सहज महसूस नहीं हो रहा था। वह बिना किसी को बताए ऊपर नीचे जा रहा था। चुपचाप बैठो, नाविक इस बात से परेशान था और उसे चिंता थी कि यात्रियों के घबराने से नाव डूब जाएगी। अगर बंदर शांत नहीं हुआ तो नाव डूब जाएगी। आदमी इस स्थिति से परेशान था, लेकिन उसे कोई नाव नहीं मिली। बंदर को शांत करने का तरीका। दार्शनिक ने यह सब देखा और मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस बंदर को घरेलू बिल्ली की तरह शांत कर सकता हूँ। वह आदमी तुरंत सहमत हो गया। दार्शनिक ने दो यात्रियों की मदद से बंदर को उठाया और उसे नदी में फेंक दिया, तो बंदर बुरी तरह तैरने लगा। वह अब मर रहा था और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ समय बाद दार्शनिक ने बंदर को नाव में वापस खींच लिया। बंदर शांत हो गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। बंदर के बदले हुए व्यवहार ने आदमी और सभी यात्रियों को आश्चर्यचकित कर दिया। आदमी ने दार्शनिक से पूछा, पहले वह ऊपर नीचे कूदता था, अब वह पालतू बिल्ली की तरह बैठता है क्यों? दार्शनिक ने कहा, किसी को भी इसका एहसास नहीं होता है। मुसीबत का स्वाद चखे बिना दूसरे का दुर्भाग्य। जब मैंने इस बंदर को पानी में डालकर दूर फेंक दिया, तब उसे पानी की ताकत और नाव की उपयोगिता समझ में आई। ऐसे बंदर आज भी दूसरों की मुसीबत पर पेट भरते देखे जाते हैं। वे सीधे हो जाते हैं, जब स्वयं पर संकट आए तो कोई भी काम करें, उछल कूद कर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।